लेट्स बिगिन विद द लेटेस्ट केस लॉस। असेसी जिसे प्रॉफिट के बेसिस पर डिडक्शन मिलता है, जिसका डिडक्शन प्रॉफिट के बेसिस पर है। अब क्या होता है कि उसने कुछ खर्चे पीएनएल के डेबिट में शो करके रखे थे जो डिसअलाउ हो चुके हैं। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि असेसी का ग्रॉस टोटल इनकम बढ़ गया, तो क्या इंक्रीज्ड जीटीआई पर भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन अप्लीकेबल होगा? तो उसका कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है, तो अगर डिसअलाउंस के कारण प्रॉफिट बढ़ भी चुका होगा तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। केस का नाम है सुनील विश्वंभरनाथ तिवारी। सेकेंड फैक्ट ये है कि असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 13 इंडिविजुअल है और 2 फर्म है। इन्होंने बाकायदा रिटर्न भरा, रिटर्न स्क्रूटनी में हुआ और स्क्रूटनी में कुछ डिसअलाउंसेस हुए एक्सपेंडिचर के, और डिसअलाउंस हुआ अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट बताऊं तो 262.5 लाख का। इसके कारण क्या हुआ कि असेसी की इनकम 262.5 लाख से बढ़ गई। अब क्या होता है कि असेसी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपील में जाए या तो रिविजन में जाए। तो उसने क्या किया कि असेसी अपील में गया तो सीआईटी अपील ने इंस्टेड ऑफ इसके बारे में बात करने के लिए कि 267.5 को डिसअलाउ करे कि अलाउ करे, सीआईटी अपील ने एक दूसरा ही ऑर्डर दे दिया, जिस ऑर्डर में ये बोला गया है कि असेसी जो है वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो तो एओपी है। तो उसने एक्चुअली में असेसी का स्टेटस ही चेंज कर दिया। तो क्या सीआईटी अपील इस तरीके के ऑर्डर दे सकता है? तो बोला गया है कि सीआईटी अपील के पास जो भी पावर है वो को टर्मिनस है विद द पावर ऑफ एओ, तो जो एओ कर सकता है वो सीआईटी अपील भी कर सकता है। तो एओ सिंस ये स्टेटस चेंज कर सकता है तो सीआईटी अपील भी ये सब कर सकता है। फिर बात आती है कि सीआईटी अपील ने जो डिसीजन दिया है वो क्या सही दिया है? तो हाँ, ये सही दिया है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं और फर्म जो है वो नेचुरल पर्सन की गिनती में नहीं आता है। तो इस तरीके से सीआईटी अपील एम्पावर्ड है टू यूज सच पावर एंड चेंज द स्टेटस। केस का नाम है मेगा ट्रेंड्स इनकॉर्पोरेशन। थर्ड केस लॉ, फैक्ट ये है कि असेसिंग ऑफिसर ने कुछ वैल्यूएशन के लिए अपना केस डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करा। अब डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यूएशन करके वो रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर को दी। अब वो जो वैल्यूएशन है वो स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी की जो वैल्यू है उससे भी कम शो कर रहा है। तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन है कि वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू ले ले और डीवीओ की वैल्यू को रिजेक्ट कर दे? तो उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में देखते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन में असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन रहता है कि वो ले या नहीं ले, बट डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेना पड़ेगा, उसको अपने ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं ली जाएगी। केस का नाम है रावजी भाई नागजी भाई थेसिया। फोर्थ केस लॉ, इसमें क्या बोला गया है कि एक एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को इरिगेशन प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो उस केस में उन्हें लैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनसे उन्होंने लैंड ली तो बदले में कंपेंसेशन दिया। अब क्या होता है कि कंपेंसेशन गवर्नमेंट स्टार्टिंग में कम देती है, तो उस केस में सामने वाले ने अपील कर दी कि मुझे तो कम कंपेंसेशन मिला है। तो उस रिस्पेक्ट में फिर एक कलेक्टर का ही ऑर्डर आ गया ये बोलते हुए कि यार चलो इसको कंपेंसेशन ज़्यादा दो, 5,01,846 रुपये का एक्स्ट्रा कंपेंसेशन दे दो। और बात यह है कि ये एक्स्ट्रा कंपेंसेशन है और साथ ही साथ उसे 20,74,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 है, ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो हम नॉर्मली समझ रहे हैं, ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का है। अब बात यह आती है कि सब इसको नॉर्मली इंटरेस्ट की तरह समझ रहे थे और इस पे फिर बोला गया कि टीडीएस काटो, सिंस गवर्नमेंट अब ये इंटरेस्ट पे करेगी तो ये टीडीएस काटो। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 है और ये जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 है इसका नेचर कंपेंसेशन जैसा है रादर देन इंटरेस्ट जैसा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34 जो है
उसका नेचर पूरा इंटरेस्ट जैसा है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34 तब मिलता है जब मैंने डिले करा है कुछ पेमेंट करने में। अगर गवर्नमेंट जो इन्हेंस्ड कंपेंसेशन है वो इन्हेंस्ड कंपेंसेशन पे करने में अगर कुछ डिले करती है, वो डिले के रिस्पेक्ट में अगर कुछ पेमेंट करना है तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34 होता, वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34 होता, सामने वाले को IFOS में टैक्सेबल होता, तब TDS काटना समझ में आता है। पर ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 है, और ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 है, ये इसका नेचर इंटरेस्ट का नहीं है, इसका नेचर एक्चुअली में कंपेंसेशन का है। तो इंस्टेड ऑफ IFOS में टैक्सेबल करने के, सामने वाले को ये कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा और इस पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। केस का नाम है मोवालिया भीखू भाई बाला भाई। अब पढ़ते हैं अनादर केस लॉ। फैक्ट ये है कि कंपल्सरी एक्विजिशन जब होता है तो सरकार सबसे पहले जिससे लैंड ले रही है उसको कम कंपेंसेशन देती है, और जब सामने वाले को लगता है कि कम कंपेंसेशन है तो उसके लिए फिर वो अपील फाइल करता है, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि फिर उसको इन्हेंस्ड कंपेंसेशन दिया जाता है। अब सिचुएशन ये थी कि कंपल्सरी एक्विजिशन में 14.37 लाख का कंपेंसेशन पे करा, सामने वाले ने अपील करी और बोला कि मुझे तो ज़्यादा कंपेंसेशन चाहिए, तो उस केस में उसे ज़्यादा कंपेंसेशन दे दिया और 14.37 की जगह फिर बात हो गई कि 38.42 लाख का कंपेंसेशन दिया। अब पॉइंट ये आ रहा है कि रिवेन्यू अथॉरिटी ने ये बोल दिया कि यार ये तो असेसी खुद ही बेचने के लिए ईगर, रिवेन्यू अथॉरिटी ने ये बोल दिया कि असेसी की तो खुद की बेचने की इच्छा है, वो तो खुद आगे होके नेगोशिएशन कर रहा है कि नहीं यार 14.37 में नहीं, मुझे तो ज़्यादा में बेचना है, तो ये तो एक्चुअली में असेसी की खुद की ही इच्छा है बेचने की, तो इसमें कंपलसरी एक्विजिशन की क्या बात हो गई। असेसी खुद ही आगे होकर अगर कभी नेगोशिएशन कर रहा है तो एक तरीके से असेसी की खुद की इच्छा है बेचने की, तो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जानबूझ के हम कंपलसरी एक्विजिशन ले रहे हैं। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि असेसी ने ये जो नेगोशिएशन करा है इसके लिए नहीं करा है कि इसकी खुद की इच्छा है बेचने की, उसने इसलिए नेगोशिएशन करा है कि कम से कम अगर तुम कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हो तो एटलीस्ट मुझे कम से कम फेयर मार्केट वैल्यू तो दो, 14.37 तक मार्केट वैल्यू से तो बहुत ही कम वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू को सिक्योर करने के लिए बाकायदा असेसी ने उसके लिए अपील करी और बोला कि इनहेंस कंपेंसेशन मेरे को चाहिए, 14.37 बहुत कम कंपेंसेशन है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि एक तरीके से असेसी ने वॉलंटरी सेल करी है। तो जो एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 के अंदर एग्जेम्पशन ऐसे होती है कि अगर कैपिटल गेन हो रहा है कंपलसरी एक्विजिशन पर, अगर एग्रीकल्चरल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन होता है और उस कंपलसरी एक्विजिशन पर उसको गेन होता है तो वो गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो सिंस ये कंपलसरी एक्विजिशन ही है, ये कोई वॉलंटरी सेल नहीं है, तो ये भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 के अंदर एग्जेम्पशन होगा, तो इसके एग्जेम्पशन को डिनाई नहीं किया जाएगा। केस का नाम है बालकृष्णन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट केस लॉ। फैक्ट ये है कि HUF को एक कंपनी ने लोन दिया है, उस HUF का शेयर उस कंपनी में 37.12% है। पॉइंट ये आ रहा है कि कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न में तो बताया है कि HUF को लोन दिया है, बट HUF शेयर्स, HUF ने जब शेयर्स खरीदे थे तो HUF ने शेयर्स कर्ता के नाम पे खरीदे थे, तो कर्ता ने अमाउंट दिया और कंपनी ने कर्ता को शेयर्स दिए, तो शेयर सर्टिफिकेट पे एक्चुअली में कर्ता का नाम है रादर देन HUF का। तो पॉइंट ये आ रहा था कि आपने लोन तो HUF को दिया है और आपने रिटर्न में तो यही बताया है कि आपने लोन HUF को दिया है, बट शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर होल्डर का नाम, तो जो कर्ता का है वो कर्ता का नाम शेयर सर्टिफिकेट में शो हो रहा है। तो पॉइंट ये आ रहा है कि लोन HUF को दिया है, शेयर होल्डर सर्टिफिकेट में नाम कर्ता का है, तो जो लोन मैंने HUF को दिया है वो क्या डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब डीम डिविडेंड सेक्शन 222E को कोर्ट ने ऑब्जर्व करा और ये बोला कि चलो अगर HUF ही शेयर होल्डर होता तो ये डीम डिविडेंड हो जाता, क्योंकि HUF शेयर होल्डर है, HUF की होल्डिंग मोर देन 10% है जो कि 37.12% है HUF की होल्डिंग, तो उस केस में ये डीम डिविडेंड हो जाता। अगर चलो HUF शेयर होल्डर नहीं है, कर्ता शेयर होल्डर है क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में तो कर्ता का नाम है, अगर कर्ता भी
शेयर होल्डर होता और लोन एचयूएफ को दिया है तो भी ये डीम डिविडेंड होता। किस रिस्पेक्ट में? कि कर्ता शेयर होल्डर है, अब कर्ता का एचयूएफ में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है ग्रेटर देन 20% वोटिंग पावर या शेयर होल्डिंग। तो उस केस में सिंस कर्ता का वोटिंग पावर, कर्ता का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एचयूएफ में ग्रेटर देन 20% है, तो अगर आपने लोन एचयूएफ को दिया है तो एक तरीके से ये एचयूएफ के लिए डीम डिविडेंड हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर शेयर होल्डर होता है एचयूएफ तो डायरेक्टली भी डीम डिविडेंड है, और अगर इनडायरेक्टली भी अगर कर्ता शेयर होल्डर है तो इनडायरेक्टली भी उसके लिए वो डीम डिविडेंड ही प्रूव हो रहा है। तो इसमें कोई दो आंसर्स नहीं आते हैं और कोई डिस्प्यूटेबल इशू है ही नहीं, और एचयूएफ ही इधर एचयूएफ पे डीम डिविडेंड अप्लीकेबल होगा और ये जो लोन है वो एचयूएफ के लिए डीम डिविडेंड ट्रीट होगा। केस का नाम है गोपाल एंड सन्स एचयूएफ। नेक्स्ट केस लॉ, फैक्ट ये है कि सेटलमेंट कमीशन ने एक स्टिप्यूलेटेड टाइम दिया था कि इस टाइम तक आपको पेमेंट करने का है। अब असेसी क्या करा, असेसी ने उस टाइम तक पेमेंट नहीं कर पाया और लेटर ऑन पे करा। फैक्ट ये थे कि असेसी सेटकॉम के पास गया था कि उसे रिलीव मिल जाए, उसे उसकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए सैटकॉम के पास गया। तो सैटकॉम ने उसको इम्यूनिटी दी, बकायदा उसकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करा, बट असेसी ये भी चाहता था कि उसको 14 मंथ्स का टाइम मिले जो 20 जनवरी 2016 तक ख़त्म होगा। पर क्या हुआ कि सेटलमेंट कमीशन ने बोला कि 31 जुलाई 2015 तक ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको इम्यूनिटी है, अदरवाइज आप पे प्रोसिक्यूशन लग जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी सेटलमेंट कमीशन ने दे दी थी। अब क्या हुआ कि असेसी नहीं पे कर पा रहा था 31 जुलाई 2015 के पहले पहले, तो फिर उसने क्या किया कि सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर पे रिट पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट को, और फिर हाई कोर्ट ने रेफर करा मैटर सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, उसने ये बोला है कि जब सेटलमेंट कमीशन के पास ऑप्शन है कि टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने का, तो अननेसेसरीली असेसी को क्यों हैरेस करा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर आने के पहले ही असेसी ने सारा अमाउंट पे कर चुका है, तो उस सिचुएशन में ये देखा जाना चाहिए कि असेसी को अननेसेसरीली हैरास नहीं करे और टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाए। और टाइम लिमिट को एक्सटेंड करना सेटलमेंट कमीशन की पावर में है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इम्यूनिटी असेसी को मिलेगी, इम्यूनिटी असेसी की फॉरगॉन नहीं होगी। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट केस लॉ। जो प्रीवियस केस लॉ का डिसीशन है उस केस लॉ का नाम था संदीप सिंह। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट केस लॉ। नेक्स्ट केस लॉ में ये बोला गया है कि क्या होता है कि एक असेसी है, उसका फैक्ट ये है कि असेसी एक बड़ी कार्गो कंपनी है। अब क्या होता है कि असेसी के कार्गो कंपनी है और वेरियस कंट्री के कार्गो को इधर से उधर भेजना और इन सब में ये इन्वॉल्व है। अब पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे एजेंट है उसके वेरियस कंट्रीज में, बट एजेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो उस सिचुएशन में असेसी ने क्या किया है कि उसने एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे व्हाट्सएप तरीके से एक उसने एजेंट के लिए बनाया। अब उसके रिस्पेक्ट में जो असेसी है, असेसी को बहुत खर्चा हुआ, तो उसने एजेंट को बोला कि आप देखो तुम्हारे लिए ही मैंने ये बनाया है, तो आपको रीइंबर्समेंट कर देने का, एक्सपेंडिचर का कुछ कुछ अमाउंट आपको पे करने का मुझे। तो फिर एजेंट ने ही, सिर्फ एजेंट को ये हेल्प मिल रही है तो एजेंट ने उनको रीइंबर्समेंट करा। तो क्या ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है? तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि ये जो कम्युनिकेशन, ये सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है, ये सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस का। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तब बोला जाता है जब मैं कोई सी एड ऑन फैसिलिटी दे रहा हूँ, जो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा हूँ। अब सिंस ये तो इंटीग्रल पार्ट है, इसके बिना तो बिजनेस प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा, तो ये काहे का टेक्निकल सर्विसेज है। तो ये ऑब्जर्व करा है कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये बोला है कि ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट है। तो एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट है तो इसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं मानो और इसके रिस्पेक्ट में टीडीएस नहीं कटेगा। और केस का नाम था एपी मॉलर मर। तो अब सिंस एजेंट जो पे कर रही है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं है, तो उस पर 194J के अंदर टीडीएस काटने की बात भी नहीं आती। नेक्स्ट केस लॉ का ये फैक्ट है कि इसमें फैक्ट ये है कि क्या जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं,
जो जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं उसका डिडक्शन 35D के अंदर मिलता है। अगर असेसी अदर देन कंपनी है तो 5% और जो आपने खर्चा करा विच एवर इज़ लोअर ऐसा करके 35D के अंदर बोला गया है। और अगर कंपनी है तो 5% ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या इशू शेयर कैपिटल है, सॉरी 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, इस तरीके से आपको डिडक्शन मिलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का। तो पॉइंट ये आता है कि वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी गई है उस कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रीमियम इंक्लूड है कि नहीं है। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि अगर प्रीमियम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करना होता तो बाकायदा सेपरेटली 35D के सेक्शन में बोला होता। सिंस 35D के अंदर सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की ही बात करी गई है तो मतलब प्रीमियम इसके अंदर नहीं है। सेकेंड चीज, कंपनी के अंदर जब हम कंपनी जब रिटर्न फाइल करती है एज पर कंपनीज एक्ट तो उसके रिटर्न के अंदर जो कॉलम है उसमें इशूड शेयर कैपिटल का ब्रेकअप देख रखा है। कंपनी शेयर इशू करती है, सामने वाला सब्सक्राइब करता है, तो उस इशू शेयर कैपिटल में भी प्रीमियम को सेपरेटली नहीं बताया गया है। मतलब कि प्रीमियम को इशू शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि इशू शेयर कैपिटल के ब्रेकअप में भी प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब प्रीमियम इशूड शेयर कैपिटल में नहीं आता है। फिर तीसरी बात आती है कि जब सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट वो तो ये बोलता है कि जब प्रीमियम होती है वो प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, उसको तो सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है। तो रिटर्न से, सेक्शन 78 से और 35D के सेक्शन से, ये तीनों से ये प्रूव हो रहा है कि जो प्रीमियम है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और केस का नाम है बर्जर पेंट। अब आता है नेक्स्ट केस लॉ का डिस्कशन जिसमें फैक्ट ये है कि अगर कोई से प्रीमाइस को मैंने लेटिंग पे लिया है, मतलब मैंने किराए पे किसी प्रीमाइस को लिया है और उसको मैं सबलेट कर रहा हूँ और उससे इनकम कमा रहा हूँ, तो क्या वो रेंटल इनकम होगी कि वो बिजनेस इनकम होगी? मतलब इसमें ये बोला गया है कि ये बेसिकली ये तो हाउस प्रॉपर्टी की, ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी कि बिजनेस इनकम होगी? तो ये बोला गया है कि ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। अगर इसको बिजनेस इनकम में जाना है तो असेसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका काम है ये कि ये प्रीमाइसेस को रेंट पर लेता है देन ये सबलेट करता है। तो एक तरीके से असेसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसका बिजनेस है, जो चेन्नई प्रॉपर्टीज और इन सब में प्रूव करा है। अब राज दादरकर एंड एसोसिएट का जो है केस लॉ का नाम, इसमें क्या हुआ कि राज दादरकर एंड एसोसिएट ने तो सिर्फ ये बोला है कि हमारे पास एक पार्टनरशिप डीड है और उस पार्टनरशिप डीड में इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि हम जो है रेंट पे हम प्रीमाइस को लेंगे एंड देन सबलेट करेंगे। तो एक तरीके से ये सिर्फ पार्टनरशिप डीड ही बता पा रहे हैं ये प्रूव करने के लिए कि हमारा सबलेटिंग का बिजनेस है और ये बिजनेस इनकम में जानी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ इनके पास पार्टनरशिप डीड है। तो कोर्ट ने ये बोला है कि ये एक तरीके से सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है राज दादरकर एंड एसोसिएट के पास, और पार्टनरशिप डीड मियरली पार्टनरशिप डीड के होने से एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं शो होता है कि आपका मेन बिजनेस ही जो है वो लेट आउट करने का है। तो इस तरीके से इसको, तो सिंस कोई कंक्लूसिव एविडेंस प्रॉपर है नहीं तो इसको फिर हाउस प्रॉपर्टी ही माना गया है। केस लॉ का नाम है राज दादरकर एंड एसोसिएट। अगला केस लॉ वो छोटा केस लॉ है और इसमें ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। इस केस लॉ में रादर देन फैक्ट के मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ जिसमें ऐसा बोला गया है कि यार जो हाई कोर्ट जो भी ऑब्जर्वेशन देती है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे डिसाइड होता है। जैसे गुजरात हाई कोर्ट है तो पूरे गुजरात पर अप्लीकेबल होगा, मद्रास हाई कोर्ट है तो वो मद्रास पर अप्लीकेबल होगा, चेन्नई हाई कोर्ट है तो वो चेन्नई पे एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से ये बोला गया है कि जैसे शेयर इशू करने के लिए एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अब पॉइंट ये आता है कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि कुछ हाई कोर्ट है मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो इसने तो वो जो है वो बता के रखा है कि ये जो शेयर इशू के एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जैसे गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, अब इन्होंने क्या बोल के रखा है कि शेयर इशू के एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल नेचर के हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी ये डिस्प्यूट अराइज कर रही है, फॉर एन एग्जांपल मेरी कंपनी है, वो कंपनी के अंदर जो शेयर इशू के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर गुजरात में है तो वो इशू मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी चेन्नई में है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है, तो फिर मेरे को उसको रेवेन्यू जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। तो मुझे जो पर्टिकुलर उस स्टेट के हाई कोर्ट ने क्या बोला है उस तरीके से मुझे वैसे ट्रीट करना पड़ेगा।
और तो इशू रादर देन डिबेटेबल के इशू सब्जेक्टिव है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस को देखते हुए ये एक्सपेंडिचर डिसाइड होगा। और केस का नाम है रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड। अब आता है नेक्स्ट केस लॉ, जिसमें ऐसा बोला गया है कि सेक्शन 40A IA, इसमें क्या होता है कि इसमें इस स्पेसिफिक सेक्शन में बोला गया है कि अगर आप कभी रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो जब भी अमाउंट पेबल हो तो TDS काट लिया जाए, TDS काटने की ऑब्लिगेशन आ जाती है। अब पॉइंट ये है कि इसमें स्पेसिफिक वर्ड पेबल का यूज़ कर लिया सेक्शन 40A IA में। अब कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर सामने वाला, अगर असेसी का मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश हो, कैश अकाउंटिंग हो इंस्टेड ऑफ मर्केंटाइल अकाउंटिंग, तो उस सिचुएशन में पेबल वाला ऑब्लिगेशन तो आएगा नहीं, डायरेक्ट पेड ही होगा। तो क्या ये फैक्ट है कि क्या उस सिचुएशन में भी TDS काटना रहेगा? तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि वेरियस हाई कोर्ट ने बोला गया है कि पेबल में पेड भी इंक्लूड है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग जब भी आप पेमेंट कर रहे हो आपको TDS काटना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑब्जर्वेशन निकला, वो बोला गया कि SSC को TDS काटना रहेगा। तो पॉइंट याद है कि ये फाइनली डिसाइड हो चुका है कि भले ही पेबल लिखा हुआ है 40A IA में, बट सिंस वेरियस हाई कोर्ट ने पेबल में पेड भी इंक्लूड करा गया है और सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखकर उसका इंटेंट देखते हुए पेबल में पेड को इंक्लूड करा गया है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप पेमेंट कर रहे हो आपको TDS काटना है। वो केस का नाम है पालम गैस सर्विस। अब नेक्स्ट केस लॉ में ये बात हो रही है कि एक होंडा कंपनी है और एक सील कंपनी है। होंडा कंपनी जापान की कंपनी है, सील कंपनी इंडिया की कंपनी है। पॉइंट ये आता है कि सील कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करनी है और उसके लिए उसको वेरियस प्लांट्स एंड मशीन भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो उसी के वैसे ही फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप होगा। तो उसके लिए उसने सोचा कि चलो यार, होंडा कंपनी भी कार को मैन्युफैक्चर करती है तो होंडा कंपनी से अपन टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि होंडा कंपनी जो है वो सील कंपनी को असिस्टेंस देगी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैसे करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, नो हाउ देगी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देगी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस तरीके से ये एग्रीमेंट टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है। तो उसके रिस्पेक्ट में होंडा को फीस देनी पड़ेगी और वो फीस है 30.5 मिलियन US डॉलर्स, जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। अब पॉइंट ये आता है कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो ये बोला गया है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज अगर ये एक्सपेंडिचर नहीं करा, अगर इस टाइप के पेमेंट नहीं करे, इस पर ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, और अगर ये नहीं हुआ तो जॉइंट वेंचर ही एंड हो जाएगा। तो एक तरीके से इस एक्सपेंडिचर से ही कैपिटल असेट का एग्जिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको इंस्टेड ऑफ रिवेन्यू किया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा है। और इस तरीके से CA फाइनल नवंबर 2018 के जो सारे केस लॉस थे, वो सारे केस लॉस का डिस्कशन ओवर होता है। अब हाँ, इसमें ट्रावन को डायग्नोस्टिक का केस लॉ है, उस केस लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब लास्ट केस लॉ आता है ट्रावन कोर डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ। फैक्ट ये है कि असेसी के यहाँ सर्वे हुआ था, सर्वे हुआ, मटेरियल और एविडेंसेस डॉक्यूमेंट सारे गैदर करके असेसी को बोला, 148 का नोटिस उसको दे दिया, और ये 148 के नोटिस में ये बोला गया कि यार रिटर्न भरो। अब असेसी ने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद अब सिंस वापस से असेसमेंट रीअसेसमेंट करना है, तो 147 के अंदर रीअसेसमेंट होगा। 147 के अंदर रीअसेसमेंट करना है तो उसके लिए 148 का नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो 148 का नोटिस तो इशू करा था, और नोटिस इशू करके ये बोला गया कि रिटर्न भरो। अब उसने रिटर्न भर दिया। अब 143(2) का नोटिस जाएगा, रीड विथ 147, मींस ये चल तो पूरा रहा है असेसमेंट 147 के अंदर में, पर इसके अंदर जो ये नोटिस जा रहा है इसका मैनर 143(2) के अंडर में रहेगा। तो रिटर्न भरने के बाद 143(2) का नोटिस इशू करा, 143(2) रीड विथ 147। अब नोटिस इशू करा, अगर वो नोटिस इशू करते इनवैलिड और असेसी करता कॉर्पोरेट,
तो 143(3) रीड विद 147 ऑर्डर वैलिड मान लिया जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि सेक्शन 292(b) एक होता है, वो बोलता है कि अगर आपने 143(2) का नोटिस इनवैलिड इशू करा है और असेसी ने कॉपरेट करा है तो जो 143(3) है वो वैलिड मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि यार नोटिस इनवैलिड है तो असेसमेंट ऑर्डर भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर नोटिस इनवैलिड है बट असेसी कॉपरेट करता है तो फिर जो ऑर्डर है वो तो वैलिड ही होगा। तो असेसी बाद में ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये ऑर्डर इनवैलिड है बिकॉज नोटिस इनवैलिड इशू हुआ है। सिंस असेसी ने खुद ने कॉपरेट करा है तो वो इनवैलिड नोटिस भी वैलिड मान लिया जाएगा और वो ऑर्डर भी वैलिड माना जाएगा। पर त्रावणकोर के केस में क्या हुआ कि जो 148 के अंडर में नोटिस इशू करके बोला रिटर्न भरो, रिटर्न भरने के बाद उसने 143(2) का तो नोटिस इनवैलिड क्या, उसने नोटिस ही इशू नहीं करा। अब सिंस उसने नोटिस इशू नहीं करा है उसके बाद असेसी ने कॉपरेट करा है, पर असेसी बाद में बोलता है कि जो 143(3) रीड विद 147 का ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 143(2) के अंदर में तो मुझे नोटिस ही नहीं आया है। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर जो रिवेन्यू अथॉरिटी है वो 292(b) का सेक्शन का हवाला देती है और ये बोलती है कि यार तूने 292(b) का सेक्शन नहीं पढ़ा क्या, उसमें तो ऐसा बोला गया ना कि 143(2) का नोटिस इनवैलिड हो पर तूने अगर कोऑपरेट करा है तो 143(3) का जो ऑर्डर है वो वैलिड हो जाएगा और 143(2) का नोटिस वैलिड हो जाएगा। पर इस पर असेसी ने बोला कि इस पर कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि 292 जो बी है, 292(b) है, वो 292(b) तब आता है जब नोटिस मैंने इशू करा है और वो इशू इनवैलिड है। त्रावणकोर के केस में तो नोटिस इशू ही नहीं करा है, तो सिर्फ नोटिस इशू ही नहीं करा है तो 292(b) तो लगेगा भी नहीं, तो 292(b) रेस्क्यू में नहीं आ पाएगा। तो इसको लैंग्वेज में इधर शो करा है सेक्शन 292(b) cannot help the revenue officer who have no jurisdiction to begin with. Since notice ही issue नहीं करा है तो jurisdiction भी create नहीं हुआ है, तो वो जो order है वो order का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर notice issue करते और वो invalid issue करते तब अगर उसके बाद assessee cooperate करता तो वो notice को deemed valid मान के assessment जो order है वो valid हो जाता, पर सिंस नोटिस इशू नहीं करा है तो 292(b) लगने से रहा और उस केस में असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है 143(3) रीड विद 147 वो भी इनवैलिड हो गया है। तो फाइनल जो कंक्लूजन था कि असेसन इनवैलिड है। तो इस तरीके से नवंबर 18 के सारे केस लॉज अब ओवर होते हैं।